नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ भावना शर्मा। सबसे पहली चीज़ तो आज के दिन का जो राहु काल का समय रहेगा वो 8:35 AM से लेकर 9:51 AM तक का रहेगा, तो कोशिश कीजिएगा पूजा के लिए भी आप इस समय को अवॉइड करेंगे। मेष राशि वाले लोगों के लिए पहला कार्ड निकल रहा है 9 of Swords और दूसरा कार्ड निकलता है किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो आप लोगों के लिए भागदौड़ रहेगी, साथ ही में प्रयास आपके सफल होंगे, मान सम्मान मिलेगा आप लोगों को, लेकिन विरोधी सक्रिय हो रहे हैं। इसी के साथ छोटा सा उपाय कर लेना है आज के दिन में, क्योंकि सोमवार का दिन है यानी कि मंडे का दिन है, तो भगवान शिव की उपासना के साथ साथ आज माँ पार्वती की उपासना करनी है। ऐसा करने से आपके जीवन में जितनी कमियां हैं या जितना जो एक खाली स्पेस है वो भरेगा, साथ ही में आपके अधूरे काम आज जरूर पूरे होंगे। माँ पार्वती को कोशिश कीजिए कि आज माँ पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन आप कर दें गेंदे के पुष्पों की माला से। चलिए बात करते हैं टॉरेंस की। पहला कार्ड निकलता है किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज 8 of Swords। आप लोगों के लिए आज एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके कामकाज में आपको हेल्प कर सकते हैं। साथ ही में आज कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलने का आसार नज़र आ रहे हैं। अगर बात करें आपके लिए प्रोफेशनलिज्म की, तो आज के दिन में आपके जहाँ पर आप जॉब करते हैं, काम करते हैं, आपके ऑफिस में आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। व्यवसाय आपके लिए ठीक चल रहा है, कारोबार में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। वृषभ राशि वालों को आज शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने हैं। जेमिनाइज फर्स्ट कार्ड 6 of Wands एंड द सेकंड कार्ड इज टेम्परेंस। आप लोगों के लिए स्वाभिमान को ठेस पहुँच सकती है, कहीं ना कहीं पर आपको लोगों की बातें बुरी लग सकती है। रोजगार मिलेगा आज, आय में वृद्धि होगी, व्यवसाय में लाभ हो सकता है और आज ट्रैवलिंग इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, लेकिन कोशिश कीजिए राहु काल में आप ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा न करें। इसी के साथ आज के दिन का उपाय ये रहेगा, आप लोग ब्लैक और ग्रे कलर को अवॉइड करेंगे थोड़ा सा, साथ ही में शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध अर्पित करना है। कर्क राशि वालों के लिए पहला कार्ड निकलता है 8 of Wands एंड द सेकंड कार्ड इज द लवर्स। आपके लिए नई योजनाएं बन सकती हैं, साथ ही में वरिष्ठ जनों से सहयोग मिलेगा, आपके लिए मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा जो है आप लोगों के लिए बढ़ेगी। आज जो लोग व्यापारी हैं उनको कहीं ना कहीं से लाभ हो सकता है। कर्क राशि वालों के लिए छोटा सा उपाय, चंदन का तिलक लगाएं। सिंह राशि वालों के लिए पहला कार्ड 5 of Pentacles एंड 5 of Wands इज द सेकंड कार्ड। आप लोगों के लिए अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिज्म से जितना जुड़ेंगे आपके काम बन जाएंगे। इसके अलावा कानूनी अड़चने जो थी अभी तक वो दूर हो सकती हैं, लेकिन अज्ञात भय रह सकता है। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात को लेकर कोई डर या कोई चिंता आज आपको रह सकती है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ संध्या काल के समय, शाम के समय करना है। कन्या राशि पहला कार्ड द हेरोफेरेंट एंड द सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए आज थकान महसूस रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपकी वर्क स्केड्यूल्स को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, व्यवसाय ठीक चलेगा और पारिवारिक मेल जोल बढ़ेगा, रिश्तेदारों से मेल जोल बढ़ सकता है। कन्या राशि वालों के लिए जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस बढ़ रहा है, थकान बढ़ रही है, उसके लिए क्या करेंगे, नमक के पानी से स्नान करना काफ़ी लाभकारी रहेगा आज। तुला राशि पहला कार्ड 4 of Wands एंड द सेकंड कार्ड इज 3 of Cups। आप लोगों के लिए भूमि और भवन संबंधी जो विवाद हैं वो सुलझ सकते हैं। आय के लिए नए स्रोत दिखाई दे रहे हैं। जो लोग जॉब के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं आज उनको गुड न्यूज़ मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए उपाय क्या रहेगा, आज शिवलिंग पर आपको काले तिल अर्पित करने हैं, साथ ही में आज आपको बेलपत्र अर्पित करने हैं। ऐसा करने से हेल्थ प्रॉब्लम्स तो खत्म होंगी ही, साथ ही में आप लोगों के लिए फाइनेंशियल जो डिस्टर्बेंस अभी तक चल रही थी वो भी खत्म होगी। स्कॉर्पियोज पहला कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्स एंड द सेकंड कार्ड इज हर्मिट। आप लोगों के लिए उन्नति हो सकती है आज, किसी भी काम को करने के लिए मेहनत को में पीछे नहीं हटे, प्रसन्नता रहेगी क्योंकि कोई ना कोई शुभ समाचार आपको मिल रहा है घर परिवार की तरफ से, साथ ही में अप्रत्याशित लाभ हो सकता है आपके व्यापार में, व्यवसाय में, और ख़ास तौर पर जो लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या कहीं ना कहीं पर कुछ ट्रांसफर्स, कुछ डीलिंग्स करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। ट्रेडिंग के लिए भी आज अच्छा समय है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज के दिन में माँ लक्ष्मी की उपासना करनी है, लक्ष्मी स्रोत का पाठ करना उत्तम रहेगा। धनु राशि पहला कार्ड 10 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज 7 of Cups। आप लोगों के लिए संपत्ति के कार्य लाभदायक रहेंगे, साथ ही में परीक्षा आदि में सफलता मिलेगी, तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा दिन है। छोटा सा उपाय, आज सरस्वती माँ की उपासना करना, साथ ही में सरस्वती मंत्र का जाप करना लाभकारी रहेगा, सफलता दिलाएगा आपको आपकी परीक्षा में। मकर राशि पहला कार्ड 3 of Swords एंड द सेकंड कार्ड इज 2 of Wands। आप लोगों के लिए उन्नति के नए मार्ग बनेंगे, यात्रा मनोरंजक रहेगी, साथ ही में पारिवारिक मेल जोल भी बढ़ेगा आज। इसी के साथ मकर राशि वालों को आज क्या करना है, पहली चीज़ संध्या काल के समय को यात्रा नहीं करनी है। इसके अलावा आज आपको भगवान शिव की उपासना करनी है और शिव स्त्रोत का पाठ करना है।
चलिए, कुंभ राशि एक्वेरियंस, पहला का टू ऑफ सॉर्ड्स और दूसरा कार्ड निकलता है फाइव ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों को किसी दूसरे के काम में आज हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करना है, विरोधी सक्रिय हो सकते हैं आज और जीवन साथी से आपको सहयोग जरूर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पे आपको अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा सा बचकर चलना है। साथ ही में आज लाइफ पार्टनर्स के साथ जो तालमेल बन रहा है उसे अच्छे से इंजॉय कीजिए, आपका जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। इसी के साथ कुंभ राशि वालों के लिए आज ज़रूरी है कि आज भगवान शिव की उपासना जरूर करें। शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध मिश्रित गंगा जल चढ़ाना है। बात करते हैं मीन राशि, पहला कार्ड नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड द सेकंड कार्ड इज नाइन ऑफ पेंटाकल्स। आज के लिए नए काम की शुरुआत कर सकते हैं आप लोग। वाहन खरीदने के योग दिखाई दे रहे हैं और काफी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है आज इन्वेस्टमेंट से बचना है, शेयर मार्केट से थोड़ा सा दूर रहिए। उपाय कर लीजिए, आज के दिन में माँ चंद्र घंटा की उपासना करनी है, साथ ही में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोगों के लिए करना काफी लाभकारी रहेगा। तो इसी के साथ ये तो बात हुई 12 राशियों की, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए एस्ट्रो तक के साथ।